बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम अलीम जुबैर है और जायद उर्दू की आज की इस नशिस्त में मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ हैदर। तौसीफ के जाने गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सा तारुफ जायद उर्दू और आज की नशिस्त का पेश करता चलूँ। जायद उर्दू एक बाइलिंगुअल इदारा है कि जिसके अंदर हम उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों को इस्तेमाल करते हुए उर्दू के फरोग के लिए काम करने में अपना एक हिस्सा डालते हैं। जायद उर्दू एक बिल्कुल रजाकारों के की मेहनत और काबिशों से चलने वाला इदारा है और अगर आप लोग भी हमारा साथ देना चाहें तो इस वीडियो के साथ लिंक्स में मौजूद वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जरूर फॉलो कीजिए। इसके अलावा जायद उर्दू के सोशल मीडिया चैनल्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करते रहिए। जायद उर्दू की जो मुख्तलिफ काबिशें हैं उसमें कुछ किताबों की इशात और तर्जमे का काम है, मंजर आम पर आने वाली है। उसके अलावा इससे कबल हमारी मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान और दुनिया भर के शहरों में रीडिंग ग्रुप्स का एक सिलसिला चलता था जो कि आजकल की सूरत हाल की वजह से मुनाफिद नहीं हो पा रहे, मगर अब हम इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ आ चुके हैं। और इस सिलसिले में हमने जो पहला सिलसिला शुरू किया वो मीडिया और जबान के ताल्लुक के हवाले से, और आज हमारे साथ मीडिया के एक मारूफ शख्सियत और एक ऐसा नाम को जिसको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, तौसीफ हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं मुख्तसर सा तारुफ इनका दूंगा और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं कम बोलूं और तौसीफ को हम ज्यादा सुने। तो तौसीफ का सफर रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन के साथ लेट 80s अपनी 90s से शुरू हुआ। उसके बाद न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का काम करते रहे, रेडियो पे मेजबानी और टेलीविजन पे मेजबानी कंपेयरिंग उनका उनकी शोहरत का बायस भी बना और उनका एक खासा भी है। तौसीफ बहुत सुलझे हुए लहजे और जबान में गुफ्तगू करते हैं जिनकी खासियत इनको बहुत से दूसरे लोगों से मुमताज करती है। सो मेरी तरफ से तारुफ इतना काफी, शुक्रिया तौसीफ, आदाब हमारे लिए वक्त निकालने का। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मधु किया अपनी नशिस्त में, अपनी महफिल में, थैंक यू वेरी मच। जनाब मैंने तो आपका जो तारुफ कुछ बुनियादी सा वो किया, अपने सफर की कोई मुख्तसर रुदात अगर आप बयान करना चाहें पहले इससे कबल इसके कि हम कुछ दकीक मौजूआत की तरफ बढ़े। देखिए मैं 17 साल का था और मैंने रेडियो पाकिस्तान से अपने सदाकारी के सफर का आगाज किया। और बड़ी दिलचस्प बात आपके नाजरीन के लिए, आपके दोस्तों और आपके फॉलोअर्स के लिए, कि मैंने जिंदगी के पहले 3 बरस उर्दू जबान में सदाकारी नहीं की। मैंने अंग्रेजी में अपनी ब्रॉडकास्ट करियर का आगाज किया 17 साल की उम्र में और रेडियो पाकिस्तान से अंग्रेजी में खबरें पढ़नी शुरू की। और 20 साल की उम्र तक मैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 21 साल की उम्र तक मैं सिर्फ अंग्रेजी में ही खबरें पढ़ा करता था। और फिर एक बहुत ही वाकई हादसाती तौर पर मैं उर्दू सदाकारी की जानेब आया। और ये 1991 गालबन या 1990 जब इराक और कुवैत की जंग हुई और वो अचानक जंग छिड़ी, और उस वक्त स्टूडियो में मैं अंग्रेजी खबरें पढ़ रहा था और उसके फौरन बाद पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो कुवैत में मुकीम थे और उनकी उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम का फौरी तौर पर इमरजेंसी में इनेकाद रेडियो पाकिस्तान को करना पड़ा, यहाँ के पाकिस्तानियों के लिए जो उनके यहाँ रिश्तेदार हैं और वहाँ के लिए कुछ ऐसी तकनीकी सी वजूहात थी। उसमें कुर्रा मेरे नाम निकला इसलिए कि उस वक्त स्टेशन पे मैं मौजूद था। उन्होंने कहा उर्दू में प्रोग्राम करना है, मैंने कहा जी उर्दू और मैं? उन्होंने कहा बैठिए बस शुरू कर दीजिए, इस वक्त हमने ऑन एयर जाना है। और कोई और सदाकार उस वक्त मौजूद नहीं था, और बस जिसे कहते हैं कि वो धक्का मुझे पड़ा मैंने उर्दू में ब्रॉडकास्ट शुरू कर दी। और मेरी पहली ब्रॉडकास्ट 5 घंटे पर मुहित थी, शब 9 बजे मैंने अंग्रेजी की खबरें पढ़ी और 9:30 बजे मैंने वो प्रोग्राम शुरू किया। 4-5 घंटे वो प्रोग्राम किया, तब तक कोई और सदाकार उनको बुलवा लिया गया और उन्होंने आके संभाला। सो यूं हादसाती तौर पर मैं इमरजेंसी में उर्दू ब्रॉडकास्टर बन गया और वो सफर आज तक जारी। बहुत बहुत खूब, ये हादसा हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा कि हमें एक अच्छे उर्दू ब्रॉडकास्टर हमें नसीब हुए। तो आपका जो उर्दू जबान का लबो लहजा है, कुछ तो हमारे नाज़रीन भी जानते होंगे कि आपकी बड़ी बहन कुरतुलैन रिज़वी भी इस शोबे से वाबस्ता रही, आपके वालिद को भी शेर अदब से शगफ था, तो ये लबो लहजा कुछ खानदानी तौर पर मुयस्सर हुआ, कुछ इसके लिए मेहनत की,
तो ये तलफ्फुज और अमूमी तौर पे भी ब्रॉडकास्ट एक जबान में जब आप बोलें तो उस जबान का लहजा तलफ्फुज बड़ी अहमियत रखता है, तो आप ने इसको किस तरीके से निखारा संवारा? इसको निखारा संवारा मेरे मेरे बहन मेरे भाई कुरतुलैन जिनका आपने जिक्र किया और हसनैन मेरे बड़े भाई जो कि खुद एक सदाकार डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन लेकिन सदाकार अंग्रेजी में और उर्दू दोनों जबानों में लिखते हैं सदाकारी करते हैं और मेरे वालिद जो कि पोठोहारी में पंजाबी में और उर्दू में लिखते थे शायरी करते थे मुतरजम थे और स्क्रिप्ट राइटर थे सदाकार भी थे रेडियो के मुझे घराना उनका नाम तारिक मसूद और सो मेरा घराना मेरे चचा जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अख्तर जाफरी साहब वो रेडियो से उनका ताल्लुक तो मेरा घराना मुझे बचपन से ही माहौल कुछ इसी तरह का शेर अदब का पढ़ने पढ़ाने का जो जबान बोलनी है सही बोलनी है तलफ्फुज सही रखो चाहे पोठोहारी बोलो चाहे उर्दू बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो लेकिन सही बोलो और एक जबान बोलते हुए दूसरी जबान को उसमें शामिल ना करो ये वो बुनियादी उसूल थे ये वो बुनियादी मैं तो कहूँगा अकदार थी हमारे घराने की कि इनसे अगर हट जाओ तो खूब डांट पड़ती थी और वालिद मेरे बहुत ही इस बात उनको नागवार गुजरती थी कि उर्दू बोलते बोलते बीच में अंग्रेजी की आमेजिश कर दी जाए। बाकी ये कि मैं ग्रामर स्कूल से पढ़ा तो अंग्रेजी भी मुनासिब थी घर का माहौल ऐसा मिला तो उर्दू भी मुनासिब थी लेकिन एक दिलचस्प बात थी कि उर्दू मेरी मादरी जबान नहीं है मेरे 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 ननिहाल की जबान पंजाबी है ददियाल की जबान पोठोहारी है तो उर्दू एक लिहाज से देखा जाए तो मेरे लिए थर्ड लैंग्वेज का दर्जा रखती है तीसरे लेकिन यही तो हुस्न है यही तो खूबसूरती है जबान की कि ये इस कदर खुले दिल की जबान है उर्दू का दिल इतना वसी है कि ये आप इसको जानने की आप इसको इसमें उतरने की इस समंदर में आप तैरने की कोशिश कीजिए ये उर्दू ऐसी जबान है कि उसका समंदर आपको बहुत खूबसूरती से आपको बड़े बड़ी आसानी से तैरना सिखाता है अपने अंदर और यही मेरे साथ भी हुआ घर में माहौल तो ऐसा था ही लेकिन फिर इस जबान से इश्क हो गया इस जबान से मोहब्बत हो गई लफ्ज मुस्बत होता है या मस्बत होता है बादल होता है या बादल होता है तो ये छोटे छोटे खेल हमने भी खेलने शुरू कर दिए और अपनी जबान को बेहतर करना शुरू कर दिया लेकिन ये बात मैं हमेशा बड़े फख्र से बताता हूँ कि उर्दू मेरी मादरी जबान नहीं है लोगों को ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं होता किसी भी जबान को अच्छे एहसन अंदाज में बोलने के लिए कि आपकी माँ बोली हुई आप बहुत अच्छी पश्तो बोल सकते हैं अगर आपसे आपको पश्तो से इश्क हो जाए आप बहुत अच्छी सिंधी बोल सकते हैं अगर आपको उससे मोहब्बत हो जाए सो वो मोहब्बत असल में जोड़नी बनानी दिल में जरूरी है किसी भी जबान के लिए बाकी जबान अपने बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही होती जी बिल्कुल बहुत अच्छा आपने नुक्ता बयान किया क्योंकि बहुत से हमारे तो उर्दू के अदीब ऐसे हैं जिनकी मादरी जबान नहीं थी इकबाल फैज अहमद फैज अहमद फराज अहमद उद्दीन कासमी और नून मीम राशिद मीरा जी मुनीर नियाजी एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने उर्दू की बहुत खिदमत की बिल्कुल अच्छा तो आपने जो इसके बाद आपका सफर आगे बढ़ा उसमें आपकी ब्रॉडकास्टिंग की दो जिहतें थी एक तो रेडियो के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर कुछ हल्के फुल्के प्रोग्राम थे चाहे वो एफएम हो या ये टीवी नशरियात लेकिन उस दूसरी तरफ बड़े संजीदा प्रोग्राम्स भी थे सरकारी ब्रॉडकास्ट बड़े फॉर्मल जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर भी आपने काम किया तो इसमें एक तवाजुन बरकरार रखना और हल्के फुल्के प्रोग्राम में भी जबान को की जो शाइस्तगी है उसको बरकरार रखना ये कैसे रखा और इसकी कितनी अहमियत है अलीम बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये इतना मुनासिब सवाल किया है और मुझे खुशी होगी कि इसका जवाब जो है खासतौर पर हमारे नौजवान जो सुनने वाले हैं वो उसको गौर से सुने और समझे खासतौर पर वो मेरे दोस्त वो मेरे बहन भाई जो सदाकारी में ब्रॉडकास्टिंग में टेलीविजन रेडियो या सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और आना चाहते हैं देखिए आपने भी एक इस्तेलाह इस्तेमाल की हल्की फुल्की हल्का फुल्का प्रोग्राम हल्का फुल्का अंदाज अंदाज हल्का फुल्का बहुत अच्छी बात है लेकिन जबान को हल्का नहीं करना जबान का मायार नहीं करना चाहिए आप अगर हंस हंस के बातें करते हैं आप बहुत अंग्रेजी
का लफ्ज में इस्तेमाल करूं, कैजुअल ब्रॉडकास्ट अगर आप कर रहे हैं, आप आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका अंदाज बयां, आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी डिक्शन, आपके अल्फाज बहुत आम फहम है, बहुत सकील नहीं है, बहुत फ्लावरी इंग्लिश या फ्लावरी उर्दू नहीं है, हल्की फुल्की जबान है, जैसा कि आपने इस्तेमाल किया लफ्ज, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जबान के साथ ज्यादती हो, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जबान हल्की हो जाए। सो वो बहुत जरूरी है कि उसका लुत्फ भी रहे, आप लोगों को एंजॉय भी कराएं, आप हंसे भी, आप हंसाएं भी, लेकिन जबान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो ब्रॉडकास्ट के अंदाज का हल्का फुल्का होना कहीं से भी ये नहीं कहता कि जबान को आप हल्का फुल्का करते हैं। और यही मैंने अपने वालिद से, अपनी बहन से और अपने उन असातिज़ा से सीखा जो मेरे अवायल करियर में, जो मेरे असातिज़ा ठहरे, आबिद हुसैन साहब, सलमान उल मौज़म साहब रेडियो के हवाले से, सीमा सिद्दीकी साहिबा, तो वो सब ये कहते हैं, ये मेरे उनके नाम मैं ले रहा हूँ जो पाकिस्तान में FM के मूजिद हैं प्रोड्यूसर्स की हैसियत से। मैं तो पहला सदाकार था, मैं सबसे पहले FM पे बैठा और मैंने कहा था अस्सलाम वालेकुम, ये FM स्पेशल है और आप इसको FM, यू नो जो भी अंदाज था, लेकिन मेरा इंतखाब करना भी ये सहरा उनको जाता है। उन्होंने कहा कि तौसीक जो है ये इसका अंदाज बात करने का बिल्कुल आम फहम है, ये आम लड़के आम लड़की की तरह बात करता है, लेकिन साथ उनको ये ध्यान भी था कि ये गलत उर्दू नहीं बोलता या कम अज कम सही उर्दू बोलने की कोशिश करता है। सो लेकिन उन्होंने सच सिखाया यही था कि तौसीक FM तुम कर रहे हो, लोगों के दिलों में घुसना है, उनके घरों में तक चले जाना है, उनके टीवी लाउंज तक पहुंच जाना है, लेकिन जबान पे कॉम्प्रोमाइज ना करना। तो मेरा आज का पैगाम भी यही होगा कि खुदारा हल्के फुल्के अंदाज में जबान के साथ ज्यादती ना कीजिए, जो कि माजरत के साथ इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है जी। और जबान का मियार बरकरार रखने के लिए अच्छे लोगों से सीखना, उनके साथ गुफ्तगू करना तो एक लाजमी हिस्सा होता है, मगर मुताला जो है वो भी मदद कर सकता है इस सिलसिले में। तो आप मुताले के बारे में क्या कहते हैं, लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये मशवरा तो अब मैं दे दे के थक गया हूँ इसलिए कि मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि एक अच्छे सदाकार के लिए एक अच्छा कारी होना बहुत जरूरी है। अमूमन ये समझा जाता है कि अच्छे सदाकार, और जब मैं सदाकार कह रहा हूँ तो उससे मुराद रेडियो भी है, टीवी भी है, सोशल मीडिया भी है, ब्रॉडकास्ट है। आप अच्छा, उससे आम तासर ये होता है कि उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, चलो उसकी उर्दू अच्छी हो, उसका अंदाज बयां बहुत अच्छा हो, उसको पता हो क्या कहना है, वो चर्ब जबान हो, वो हर मौजू पे बात कर सके, ये एक अच्छा कॉम्पेयर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छे सदाकार को, एक अच्छे मेजबान को, एक अच्छे शो होस्ट को, एक अच्छे कॉम्पेयर को ये जानने के साथ साथ कि क्या कहना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या नहीं कहना, कहां रुक जाना, कहां बात खत्म कर देनी, और ये सिखाती है आपको किताब। इसलिए अच्छा कारी होना एक अच्छे सदाकार के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए पढ़ना जरूरी है, और उसके लिए किसी पाबंदी किसी कैद के बिना पढ़ना जरूरी है। मतलब आप मुझसे अगर पूछें कि आप क्या पढ़ते हैं तो मेरा जवाब होगा मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, मैं रिलीजन के बारे में भी पढ़ता हूँ, मैं इंसानी हकूक से लेकर जानवरों के हकूक से लेकर नेचर से लेकर कुदरत, मैं फिक्शन भी पढ़ता हूँ, मैं साइंस को भी पढ़ता हूँ, मैं फल्कियात के बारे में कोई आर्टिकल आ जाए वो भी पढ़ लेता हूँ, मैं यू नो हर तरह के मौजूदात को पढ़ता हूँ, और पढ़ना चाहिए। ये कहना कि मुझे ये पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं है, पसंद नापसंद अपनी जगह होती है, कुछ लोग पालक पसंद करते हैं, कुछ आलू पसंद करते हैं, लेकिन अपनी जबान को अगर आप एक अच्छे कारी बनना चाहते हैं, अपनी जबान को आपने पालक का टेस्ट भी देना है, आलू का टेस्ट भी देना है, और टमाटर का टेस्ट भी देना है। बहुत खूब। और ये जो मुताला है जिसको जो भाई जरूर पढ़े, वसी तरीके से पढ़े, उससे जहन भी वसी होगा, सोच भी बढ़ेगी, और बाकी जखीरा अल्फाज भी आएगा। लेकिन जो लिटरेचर है, जो अदब है, उसके साथ आपको आपको जान छुड़ाने नहीं देंगे, और आपसे ये जरूर कहेंगे कि चूंकि आपकी तरबियत में भी शामिल है शेर पढ़ना, शेर पढ़ने का
तरीका जौक आपने सीख रखा है। तो हमारे नाजरीन के लिए हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ मुश्किल गुफ्तगू करके आपकी जान छोड़ दें, कुछ अगर शेर सुना दें तो बहुत अच्छा। मेरे वालिद कहा करते थे जब मैं रेडियो पे कोई प्रोग्राम करता था या टेलीविजन पे प्रोग्राम करता था तो उनके मायार पे पूरा उतरना बहुत मुश्किल होता था, तो वो उनकी मेरे लिए तारीफ ये होती थी। अब जरा तारीफ सुनिए, अब ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी मुझे शाबाश दे रहे हैं कि बस अब सिर्फ शेर पढ़ना रह गया है जो तुम्हें नहीं आता, बाकी काफी बेहतर है। चलिए ये शाबाश उन्होंने दी, लेकिन उसमें भी कह दिया कि तो मेरे घर वाले आज भी समझते हैं, मेरी बहन, कि बस इसको शेर पढ़ने में अभी जरा काफी मेहनत की जरूरत है, लेकिन आप जैसे करम फरमा मोहब्बत करने वाले ये समझते हैं कि मुझे शेर पढ़ना बहुत अच्छा आता है। तो इनायत बहुत शुक्रिया। आपकी नजर एक बहुत कुछ हो सकता है इस वक्त। वैसे मैं, मेरा ये गुमान है कि मैं शेर से ज्यादा बेहतर नसर पढ़ता हूँ, लेकिन वो आज माहौल भी नहीं है। फिर किसी दिन, बल्कि आपके साथ किसी दिन जॉय ऑफ उर्दू का एक अलहदा सेशन करेंगे, निश्चित करेंगे, जिसमें मैं नसर के कुछ इकतबासात आपकी जी ये मैं अपने नाज़रीन के लिए अर्ज करता चलूं कि तौसीक ने जो हमें आज वक्त दिया उसमें खास बात ये भी है कि ये परदेश में बैठे हैं, मैं इस वजह से नसर की फरमाइश कर भी नहीं सकता कि उनकी किताबें तो उनके पास होंगी नहीं, तो शेर तो कुछ याददाश्त से सुनाए जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं इंशाल्लाह अगले दो हफ्ते में पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, तो उसके बाद एक नसर के हवाले से अलहरा नशिस्त जरूर रखेंगे। फैज साहब की एक नज़्म तन्हाई आप की खिदमत में। फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं, फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाए। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शम्मे बढ़ा दो मऊ मेनाओ अयाग, अपने बेखाब कवाड़ों को मुकफल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। वाह क्या कहने, क्या कहने, क्या ही खूबसूरत नज़्म और आपने हक अदा कर दिया, बहुत खूब पढ़ी जनाब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी तकलीफ देते रहेंगे, आप पाकिस्तान वापस आ जाए तो आपके साथ मजीद नशिस्तें भी रखी जाएंगी। आज के लिए आपकी नवाजिश इनायत के आपने वक्त दिया, और आखिर में अगर आप कुछ कुछ कहना चाहें, कुछ पैगाम देना चाहें, इजाजत। आपका आपका जॉय उर्दू का बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस काबिल समझा और इस नशिस्त का हिस्सा बनाया। आपके तमाम जो फॉलोअर्स हैं जो जॉय उर्दू को फॉलो करते हैं उनको बहुत सा सलाम, बहुत सी दुआएं, मोहब्बतें आपके लिए। और कहना सिर्फ ये है कि मेरा मर्तबा तो नहीं है कि मैं कोई पैगाम दूं, लेकिन एक एक गुजारिश ये है कि इस बात पे फख्र करना या इस बात पे ये सोचना कि अरे आजकल सब चलता है, खुदारा छोड़ दीजिए कि हमें अच्छी उर्दू बोलनी नहीं आती। मैंने देखा है अमूमन लोग कहते हैं अभी आजकल तो सब चलता है, अरे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए फर्क पड़ता है, कोई भी जबान बोलिए, फ्रांसीसी, जापानी सीख रहे हैं, फारसी सीख रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छी अदायगी हो, अच्छे से अच्छी जबान का उतार चढ़ाव हो, बेहतर से बेहतर लफ्ज इस्तेमाल करें, क्यों नहीं। क्या आपके लिए अच्छी उर्दू बोलने के लिए जरूरी है कि आपने टेलीविजन पे बैठ के या जॉय ऑफ उर्दू का कोई सेशन मॉडरेट करना है या रेडियो पे जाके मेजबानी के फराइज अंजाम देने हैं? नहीं, आपने बच्चों से भी बात करनी है। कोशिश कीजिए जिस भी जबान में बात कर रहे हैं, चाहे वो सिंधी क्यों नहीं, बच्चों से अच्छी सिंधी बोलिए, बच्चों से अच्छी जापानी बोलिए, बच्चों से अच्छी स्पेनिश बोलिए, जो भी जबान बोल रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर बोलिए। ये मेरी जाती छोटी सी एक गुजारिश और ख्वाहिश। बहुत खूबसूरत पैगाम तौसीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाजरीन अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते रहिए, इस सीरीज में
इस सिलसिले में हम मजीद भी कुछ सेशंस आपके साथ आपके लिए पेश करेंगे। आप सबके देखने का और अपना वक्त देने का शुक्रिया। नवाजिश, आदाब। आदाब।